हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाएं। देखिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक बच्चे का, शिशु का, जो कि स्पेशली 6 महीने से कम का बच्चा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उसका कम्प्लीट फूड होता है, एक संपूर्ण आहार होता है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए। इसीलिए जो बच्चे 6 महीने से कम के होते हैं उनको 100% ब्रेस्ट फीड पे ही रखना होता है, उसके अलावा हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। और इवन 6 महीने के बाद भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 1 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं वो नॉर्मली कम बीमार पड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो आफ्टर 2 to 3 months जो है वो थोड़ी कम होने लग जाती है, और कुछ वीमेंस में वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सो उस केस में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल तरीके से अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इन्हेंस करें। मैंने भी ये चीज फेस की है, जब आयु अराउंड 3 months की थी तब मैंने भी रियलाइज किया कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफी कम हो गया और शायद उसका पेट नहीं भरता होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या नेचुरल वेज हैं जिससे हम अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंटिन्यूसली फीड कराएं बच्चे को। आप बिल्कुल मत सोचें कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गई है तो आप फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि अगर इस स्टेज में आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर देंगे और आप उसे फीड कराना स्टॉप कर देंगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो बनना कम हुआ है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कंटिन्यूअसली बॉडी में बनता रहता है। उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन, और उसकी वजह से ही ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो बॉडी में कंटिन्यू रहती है। और अगर हम बच्चे को उस स्टेज पर फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर देते हैं और फीडिंग जो है वो कम करा देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं तो वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी वो कम्प्लीटली रोक देगा। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी नॉट कम्प्लीटली बट पार्शली मैंने फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर लिया था फॉर 5 to 10 days। देन आई रियलाइज कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उसको इनहेंस करने की ट्राई करें इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को, अगर आपको फील भी हो रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क कम बन रहा है तो भी आप उसे कंटिन्यूसली फीड कराएं। जब भी उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट है आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ही दें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो उस हार्मोन की हेल्प से नेचुरली ही मिल्क प्रोड्यूस करे। दूसरी चीज है सेल्फ केयर। देखिए, बहुत केसेस में हम मॉम्स जो है वो अपने न्यू मदरहुड के साथ में उसको एक्सपीरियंस करते हुए इतना ऑक्यूपाई हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे को जो भी न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, जो भी बेनिफिट जो है वो उसको मिल रहे हैं उसकी बॉडी में, जो भी उसका कंप्लीट फूड है वो आपके थ्रू ही है, आपके ब्रेस्ट मिल्क से ही उसकी जो है बॉडी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो जो आप खाएंगे, जो आप पिएंगे, जितना हेल्दी आप अपना ध्यान रखेंगे उतना ही हेल्थी आप अपने बच्चे को बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि न्यू मदर के लिए खुद के साथ साथ अपने बच्चे का ध्यान रखना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे में हम अपने बच्चे को प्रायोरिटाइज करते हैं और खुद पर जो है सेल्फ केयर जो है वो हम अवॉइड कर देते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ध्यान रखना, क्योंकि जितना आप खुद अच्छा खाएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी ड्रिंक्स लेंगे, उतना ही आप अपने बच्चे को जो है इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आपके बच्चे का जो कंप्लीट फूड है वो ब्रेस्ट मिल्क है, और जो भी उसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, जो भी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आपके थ्रू ही उसे मिल रही है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही उसे मिल रही है। इसलिए तीसरी चीज है पानी। देखिए, बहुत पानी पीजिए। बहुत बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं पानी पीना, अपने स्केड्यूल में इतने बिजी होते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए पानी को। पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है वो पानी पर ही बेस्ड होता है। आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पर है तो उसको पानी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसे बिल्कुल पानी मत दीजिए। तो ऐसा क्यों है? बच्चे को प्यास लगती है, उसकी बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उसकी ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है, इसलिए उसको ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद जो है खूब पानी पिए, क्योंकि आप जितना पानी पिएंगे उसका आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उतना ही बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने शायद पानी पीना कम कर दिया है तो एक बार ट्राई करके देखिए, खूब पानी पीजिए, आई एम श्योर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इनहेंस होगी। तीसरी चीज है जीरा। जीरा जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इनहेंस करने का, तो आप जीरे को
हर तरीके से हर रूप में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सब्जी में छौंका लगाएं, आप अच्छे से जीरा डालें, जीरे का पाउडर बना के आप उसको दही के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, बहुत टेस्टी भी होता है, नॉर्मली भी हम खाते ही हैं। उसके अलावा जिस भी रूप में आप जीरे को ले सकते हैं, लाइक जीरे का पानी उबाल के आप वो पी लीजिए, पानी में जीरा पाउडर मिक्स करके ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, जिस भी रूप में आप जीरा ले सकते हैं वो जरूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इनहेंस करने के लिए। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए, अगर आप जीरा अपनी डाइट में बढ़ा देंगे तो आई एम श्योर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छे से इनहेंस होने लग जाएगी। चौथी चीज है जई का दलिया। जई एक गेहूं की तरह एक अनाज होता है जिसे हम ओट्स भी कहते हैं। ओट्स आपको जरूर इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है ब्रेस्ट मिल्क इनहेंस करने के लिए। इसके अलावा गेहूं का दलिया भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। गेहूं का दलिया नॉर्मली मोस्टली लोग करते ही हैं, पर अगर आपने जई का दलिया अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया है और आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो कम फील हो रही है, तो आप इससे अपनी डाइट में जरूर शामिल करके देखिए। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, जई का दलिया जिसे हम ओट्स भी कहते हैं, वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए, उससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जरूर इनहेंस होगी। उसके अलावा वेजिटेबल्स जो है, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक और मेथी आप अपनी डाइट में शामिल करें, वो बहुत अच्छा सोर्स है ब्रेस्ट मिल्क इनहेंस करने का, क्योंकि उसमें नेचुरल आयरन होता है, ओमेगा 3 होता है। उसके अलावा लौकी जरूर शामिल कीजिए। नॉर्मली न्यू मॉम्स को लौकी दी ही जाती है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो लौकी जो है वो किसी भी रूप में आप डेली खाइए, वो बहुत अच्छा सोर्स है ब्रेस्ट मिल्क इनहेंस करने का। पांचवी चीज, दाल पल्सेस जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, स्पेशली मूंग दाल, क्योंकि बाकी दालें जो होती है वो कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मूंग दाल से ऐसा कुछ नहीं होता है, डाइजेशन में बहुत इजी होती है और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का बेस्ट फ्रेंड होती है मूंग दाल, तो आप उसे भी अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। दिन में एक बार एक कटोरी दाल आप जरूर लें। दूध जो है वो नॉर्मली हम लेते ही हैं, न्यू मॉम्स जो है वो स्पेशली दूध जरूर लें, और दूध में आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, ड्राई फ्रूट्स से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत इनहेंस होती है। तो इस पीरियड में आप जितने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं वो आप लीजिए, किसी भी तरीके में अपने हलवे में दलिये में मिक्स कीजिए, दूध के साथ मिक्स कीजिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके बेबी को ही हेल्प कर रहा है और इससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ये कुछ बहुत ही सिंपल और घरेलू उपाय हैं जिनसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इनहेंस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप कंटिन्यूसली फीड कराइए, अपनी डाइट में इन सब चीजों को शामिल कीजिए, आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जरूर इनहेंस होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ रही है और आप फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली आपको नहीं करना चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप अपने गायनिक से कंफर्म कीजिए, वो आपको खुद जो भी सप्लीमेंट आपको प्रेस्क्राइब करती है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। उसके अलावा लैक्टोनिक ग्रैन्यूल्स करके एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जो स्पेशली जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो शतावरी है। इसके बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा कि बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है ये, और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में भी बहुत हेल्प करती है। ये पाउडर मुझे मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, मैंने भी लिया था जब मुझे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होना फील हो गई थी। इससे बहुत ही इंस्टेंटली आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। आप अगर 3 बार भी दिन में पाउडर लेंगे तो आप सेकंड डे से ही फील करेंगे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो काफी अच्छा इम्प्रूव हो गया है। ये पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे, या फिर आप नॉर्मली भी ये पाउडर ले सकते हैं। दूध में मिक्स करके पीना होता है और उसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है, इसके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप खुद ही इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और इसको डेली लेने की और कंटिन्यूसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गई है तो आप इस पाउडर को लीजिए, और जब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी सप्लाई से तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ बहुत ही सिंपल और नेचुरल वेज थे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इनहेंस करने के। लेकिन अगर किसी भी तरीके से, किसी भी कारण की वजह से आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं हो रही है इनहेंस, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराएं। उसके बाद आप किसी भी अच्छे ब्रांड के फॉर्मूला मिल्क पर शिफ्ट कर सकते हैं, और आफ्टर 1 ईयर आप बच्चे को गाय का दूध भी पिला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं वो आपको, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा वीडियो में मैंने क्या मिस किया है, इसके अलावा और क्या नेचुरल वेज हो सकते हैं जिससे हम ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इनहेंस कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी आपके कमेंट के थ्रू हेल्प मिल सके। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने मदरहुड को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। इस पे आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक न्यू मॉम के दिमाग में उसके आंसर्स आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू मॉमीज लाइफ।